तो हाय गाइस, नमस्कार। मैं संतोष, विशाल फर्नीचर में स्वागत है। तो गाइस, आप पिछले वीडियो में देखे होंगे जो हमने वार्डरोब तैयार किया, कपाट बनाए और लॉक्ड बनाए, तो ये आपके सामने रहा। ये देखिए, ये लॉक्ड है और ये वार्डरोब है। हालांकि पहले ये ओपनेबल डोर था, तो इसमें चेंज किया गया, स्लाइडिंग रहेगा। और इधर इधर स्टडी टेबल है, फिर इधर जो है ये ड्रेसिंग टेबल है, और नीचे दो ड्रावर है, ये टेबल है। तो टेबल ये सिंगल पार्टिया में है, ये डबल हो जाएगा, और यहाँ मिरर लग जाएगा। तो गाइस, हमने वार्डरोब तो रेडी कर दिया, अभी इसका डोर, ये हमने लॉफ्ट का डोर कटिंग करके रखे हैं ये। और आपको दिखाता हूँ, स्लाइडिंग डोर भी मैं कटिंग करके और पट्टी मार के इधर रेडी कर दिए हैं। और इसमें रनर लगाया जाएगा, चैनल फिट किया जाएगा। तो गाइस, कैसे फिट करेंगे, कैसे क्या करेंगे, वो सब आपको दिखाएंगे। तो गाइस, बने रहिए, देखते रहिए विशाल फर्नीचर। इधर स्लाइडिंग लगाएंगे, ये देखिए, मैं जैसे कि आपको बताया हूँ, एक एक पार्ट दिखाऊंगा, सेम वो इस तरह चैनल कैसे फिट करेंगे, रोलर कैसे लगाएंगे, तो वो सब आपको दिखने को मिलेगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं। तो गाइज, जैसे कि बताया आपको, ये ऊपर का साइड है जो हम 4 इंची छोड़ेंगे, और 4 इंची छोड़ के फिर ये हम रनर का माप लेंगे 4 इंची और 2.25 इंची, इसका माप है। तो ये जो नीचे का जो पार्ट है उतना हम गड्ढा करेंगे, तो आप देखते रहिए कैसे लगाते हैं, उस तरह से आप भी लगाइए, आप भी फिटिंग कीजिए, स्लाइडिंग में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो गैस, बने रहिए, देखते रहिए विशाल फर्नीचर। तो ये हम साइड से 4 इंच लगाए, इसमें राइट एंगल में कर देंगे, और राइट एंगल में करने के बाद फिर ये देखिए, जितने का नीचे का पार्ट जो ऊपर था हम गड्ढा करेंगे, और गड्ढा करने के बाद ये लॉक का सिस्टम रहता है, डायरेक्ट दरवाज़ा लोड करके और लॉक खोलेंगे तो दरवाज़ा फिट हो जाएगा। सामने से भी 2 इंच रहता है और ये ऐसा 2.5 इंच रहता है। तो इतना मार्किंग कर लिया, और इसको मैं सेम वैसा ही दूसरे साइड मार्किंग कर लेंगे, रनर का जितना साइज है। तो साइड से हम, ये नीचे का पार्ट है जो हम मार्किंग लगा रहे हैं, तो साइड से हम 4 इंची लगाते हैं, और 2.5 इंची और 2 इंची। तो ऐसा लगाने के बाद फिर इसको राइट एंगल में कर लिया, अब इसको मैं मशीन से कटिंग करूँगा। ये देखिए, तो जितना इसका केज है उतना हम ये कटर का ब्लेड फिट कर लेंगे। शायद मोबाइल इधर है तो नहीं दिख रहा होगा, तो जितना इसका केज है ये देखिए उतना मैं फिट कर लूँगा, और फिट करने के बाद इसको जीरी मार के निकाल लेंगे, क्योंकि तो पटासी से ज़्यादा टाइम लगता है, मशीन से जल्दी हो जाता है। तो इस तरह से हमने कटर का ब्लेड फिट करके और चिरी लगाते हैं। तो हर एक को साथ में हम ऐसे ही करेंगे, जितना कटिंग करेंगे इसको चिरी लगाएंगे।
तो इस तरह से हमने हर एक रनर का खांच निकाल लेंगे जो फिटिंग होगा, और फिटिंग करने के बाद में इसको फिट करके चेक करेंगे दरवाज़ा सही चलता है कि नहीं चलता है। इस तरह से तो एक दरवाजे में नीचे दो और ऊपर दो, एक दरवाजे में चार लगता है, तो उसको इस तरह से हमने जरी मार लेंगे। फिर इसको हम पटासी से इसको साफ करेंगे। तो बने रहिए, देखते रहिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर कुछ दिक्कत होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इस तरह से हम पटासी से कटिंग करके निकाल लेंगे साफ करके। तो इस तरह से पटासी से हम सबको साफ कर लेंगे, और साफ करने के बाद में फिर रनर टाइट कर देंगे, और टाइट करने के बाद में चेकिंग करेंगे दरवाजे सही चलता है या सही फिट हुआ कि नहीं, किधर आउट है तो आउट लेवल भी निकालना पड़ता है। तो गाइस इस तरह से सारे रनर फिटिंग करने के बाद अब चैनल लगाएंगे। चैनल नीचे पतला वाला चैनल रहता है और ऊपर 1.5 इंच का चैनल रहता है। तो ये देखिए, ये चैनल हमने लाया और हम आपसे कटिंग करेंगे, कितना साइज में क्या लगता है वो हम कटिंग करके नीचे लगाएंगे। नीचे लगाने के बाद में सॉफ्ट ग्लू जो है वो पहले ही ऐड कर लेंगे, जो हमको दिक्कत ना। ये देखिए, माप निकालने के बाद इसको कटिंग करेंगे, और कटिंग करने के बाद इसको फिट करेंगे। तो गाइस बने रहिए। इस चैनल को अगर अच्छा से या किसी और चीज़ से काटते हैं तो अपना फिनिश नहीं आएगा, फिर इसको मशीन से ही काटिए तो साइड अच्छा फिनिश देता है। तो हम बताएंगे जो कि आप लोग मशीन से ही काटिए। तो चैनल कटिंग करने के बाद अब सॉफ्ट क्लोज लगाएंगे। तो ये देखिए, ये सॉफ्ट क्लोज है, और सॉफ्ट क्लोज के लगाने से क्या होता है, बार बार खोलना नहीं पड़ता है, एक ही बार फिटिंग हो जाता है। तो ये सॉफ्ट क्लोज है, और सॉफ्ट क्लोज हम बिठाते हैं। ये देखिए कैसे लगाते हैं, इसको कौन सा साइड से लगना चाहिए, जो जिस साइड से खींचता है उसी साइड इसको लगाने का। तो गाइस बने रहिए, देखते रहिए विशाल फर्नीचर, ऐसे क्या होता है आप समझ जाएंगे।
तो मिलते हैं वीडियो के लास्ट में, तब तक देखिए। तो गाइस इस तरह से स्लाइडिंग कंप्लीट हुआ और आगे लैमिनेट कैसे डिजाइन है, कैसे क्या है, वो सब आपको दिखाएंगे। तो गाइस बने रहिए, देखते रहिए शॉर्ट फिल्म्स, मिलते हैं वीडियो के अंदर, तब तक बाय, टेक केयर।
तो गाइस इस तरह से सारे ब्रदर फिटिंग करने के बाद अब चैनल लगाएंगे। चैनल नीचे पतला वाला चैनल रहता है और ऊपर पौना इंच का चैनल रहता है। तो ये देखिए ये चैनल हमने लाया और हम आपसे कटिंग करेंगे। कितना साइज में क्या लगता है वो हम कटिंग करके नीचे लगाएंगे। नीचे लगाने के बाद में सॉफ्ट ग्लू जो है वो पहले ही ऐड कर लेंगे, जो जितनी हमको दिक्कत ना हो। ये देखिए माप निकालने के बाद इसको कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद इसको फिट करेंगे। तो गैस बने रहिए। इस चैनल को अगर अच्छा से या किसी और चीज़ से काटते हैं तो फिनिश नहीं आएगा, तो इसको मशीन से ही काटिए तो साइड अच्छा फिनिश देता है। तो हम बताएंगे जो कि आप लोग मशीन से ही काटिए। तो चैनल कटिंग करने के बाद अब सॉफ्ट क्लोज लगाएंगे। तो ये देखिए ये सॉफ्ट क्लोज है और सॉफ्ट क्लोज के लगाने से क्या होता है, बार बार खोलना नहीं पड़ता है, एक ही बार फिटिंग आ जाता है। तो ये सॉफ्ट क्लोज है और सॉफ्ट क्लोज हम बिठाते हैं। ये देखिए कैसे लगाते हैं, इसको कौन सा साइड से लगना चाहिए, जो जिस साइड से खींचता है उसी साइड इसको लगाने का। तो गाइस बने रहिए, देखते रहिए विशाल फर्नीचर, वैसे क्या होता है आप समझ जाएंगे। तो मिलते हैं वीडियो के लास्ट में, तब तक देखते हैं। Thank you.
तो गाइस इस तरह से स्लाइडिंग कंप्लीट हुआ और आगे लैमिनेट कैसे डिजाइन है कैसे क्या है वो सब आपको दिखाएंगे। तो गाइस बने रहिए, देखते रहिए विशाल फर्नीचर, मिलते हैं वीडियो के अंदर, तब तक बाय, टेक केयर।